हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्लास शुरू करने से पहले, आज की कार्रवाई शुरू करें उसके पहले मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज, मैं आपको प्रॉपरली देख पा रहा हूँ? आप मुझे देख पा रहे हो? ऑब्वियस बात है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए आप लोग फटाफट, नम्रता जी गुड इवनिंग, आयुषी जी गुड इवनिंग, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग समय नहीं गवाएंगे, ऐसे हम लोग आधा घंटा पीछे हो गए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। बिना समय व्यतीत किए हुए, समय को बिना व्यतीत किए हुए, वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। समय को बिना व्यतीत किए हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि समय हम लोग बहुत आधा घंटा आज हम लोग लेट हो गए हैं। वेरी गुड, नमस्ते एवरीवन, नमस्कार अंबर जी, हीना जी। सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी क्या बोल रहा है यहाँ पे? सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन ए क्रिएट्स अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, या इंट्रोड्यूस करता है सिद्धांत विग्रेस लाइबिलिटी का फॉर एन ऑफेंस, या फिर ऑप्शन सी रिकॉग्नाइज दैट की को पार्टिसिपेंट इन अ क्राइम मस्ट बी मेड लाइबल फॉर हिज एक्ट, अपने अपने कार्यों के लिए लाइबल होगा हर एक व्यक्ति, या फिर बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन 34 से जुड़ा हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तिलक जी का जवाब आ गया है, सिद्धांत जी वेरी नाइस, कोमल जी थोड़ा ध्यान से, प्रज्ञा जी गुड इवनिंग, आकांक्षा जी बहुत ध्यान से देखो, 34 को लेके पूछ रहा है बात, 34 को लेके बात पूछ रहा है। अभी तक दो लोगों का जवाब आया है सही, दो लोगों का, व्हाट इज द राइट आंसर? अब ध्यान से देखो, अब देखो यहां पे द राइट आंसर इज सेक्शन 34 को लेके जो सही जवाब होगा वो है बी। अब सवाल है कि बी है, अब बी क्यों जवाब सही है ये समझ लो। पहला बात, 34 खुद में एक सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है क्या? खुद में सब्सटैंटिव ऑफेंस है 34? नहीं, 34 क्या है? इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ये तो रूल है सबूतों का, है ना, रूल ऑफ एविडेंस है 34। एक बात, अब सी क्यों नहीं हुआ? तो सी में बोलता है क्या क्वेश्चन, पॉइंट नंबर सी जो है वो कहता है कि अगर मान लो ए सी ये तीनों लोग मिल के अगर कोई अपराध करेगा तो इस अपराध में हर व्यक्ति क्या अपने कार्य के लिए लायबल होगा? हर व्यक्ति अपने अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए, अपने द्वारा किए गए एक्ट के लिए लायबल होगा? नहीं। 34 में क्या होता है, व्यक्ति कोई भी करे कार्य, अपराध कोई भी करे एक, लेकिन उसका जवाबदेही ना ही सभी पे आएगा जितना कि करने वाले पे आएगा। राइट, इसलिए यहाँ पे सी नहीं होगा। अगर सी नहीं होगा तो फिर डी होगा नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ये इंट्रोड्यूस करता है विकेरियस लाइबिलिटी के सिद्धांत को फॉर एन ऑफेंस जो कमिट हुआ है एक में से किसी भी एक एक्यूज्ड के द्वारा। समझ में आया बात, पल्ले पड़ा दिमाग में? चलिए, सी क्यों नहीं हुआ कांचा जी, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी नाइस तिलक जी, इसलिए हर व्यक्ति लायबल होगा एक ही अपराध के लिए, सेम मैनर में, सेम अमाउंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी पे भी बेस्ड है और विकेरियस लायबिलिटी पे भी बेस्ड है सेक्शन 34। राइट ज्योति जी, अगले सवाल पे आते हैं। वेरी गुड, विकेरियस लायबिलिटी का, देखो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है ज्योति जी, ज्वाइंट लायबिलिटी और विकेरियस लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी में होता क्या है? ज्वाइंट लायबिलिटी का कहने का अर्थ ये होता है कि जब ज्वाइंट लायबिलिटी तो वहीं लागू होगा ना जहां विकेरियस लायबिलिटी होती है। विकेरियस लायबिलिटी कहां कहां होती है? जहां रिलेशन मास्टर प्रिंसिपल का हो,
है ना, मास्टर सर्वेंट का, प्रिंसिपल एजेंट का, करे कोई और उसका जवाबदेही किसी और पे आए। तो जिसके विरुद्ध हुआ है कार्य, उसके पास चॉइस होता है, या तो किसी एक को या सभी को वो कर सकता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। दैट इज द ज्वाइंट लाइबिलिटी। अब ज्वाइंट लाइबिलिटी समझते हैं, तो ज्वाइंट लाइबिलिटी इज अनदर थिंग, और ज्वाइंट लाइबिलिटी पे बेस्ड है सेक्शन 34, और साथ ही साथ विकेरियस लाइबिलिटी पे भी बेस्ड है। पकला नराई, माफ कीजिएगा, वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष में पोस्ट मास्टर को गोली कौन मारता है? सब मिलके एक आदमी मारता है, पांच आदमी है, एक आदमी गोली मारा, एक आदमी पकड़ा, एक आदमी गेट के सामने खड़ा, एक आदमी बाइक लेके, कार लेके रोड पे है, मारा एक आदमी गोली, लेकिन मर्डर का लाइबिलिटी सिर्फ एक ही आदमी पे आया जिसने गोली चलाया, पांचों लोगों पे आया, बात गया दिमाग में ज्योति जी, उम्मीद करते घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, एक चीज और हम बता दे, थोड़ा सा ना हिंदी का हो सकता है कि जो टाइपिंग हो कुछ एरर हो हिंदी का, राइट, इसलिए फोकस इंग्लिश पे कीजिएगा आज। कुछ टाइपिंग में एरर हो सकता है हिंदी को लेके, ज्यादा नहीं, कुछ 20-20। चलो, तो यहां पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमेंट इन महबूब शाह वर्सेस इंपेरर का केस। तो जजमेंट जो आया था महबूब शाह वर्सेस इंपेरर में, इसका संबंध है ऑप्शन ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डिफेंस ऑफ अनसाउंड माइंड, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, या इनमें से कोई भी नहीं। महबूब शाह का केस संबंधित है, महबूब शाह वर्सेस किंग इंपेरर, वेरी नाइस, एकदम ध्यान से, एकदम एक एक सवालों को ध्यान से देख के जवाब देना है, वेरी गुड, सभी का जवाब सही है। The right answer is common intention, है ना, कि इस केस में बताया गया था बेसिक जो बात था वो डिफरेंस बताया गया था कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन के बीच, कॉमन एंड सिमिलर इंटेंशन के बीच क्या फर्क है ये बताया गया था, राइट, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आंसर करना है, जल्दी में आंसर करके कुछ थोड़ी मिलने वाला है, समझदारी से आंसर करने से क्या होगा कि आपका एक हैबिट बनता चला जाएगा, राइट, नेक्स्ट। वाह, आपको बताना है कि किस केस में सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन के बीच डिफरेंस बताया गया था, फर्क बताया गया था। वीरेंद्र कुमार घोष, महबूब शाह, श्रीनिवास एंड डी ऑल ऑफ दी एवब, ये तो नो बॉल पे सिक्स हो गया। टिप्रा जी वेरी नाइस, डिंपल जी, प्रीति जी, आकांक्षा जी, सभी का जवाब सही है, होगा भी महबूब मेरे, बस उसके आगे कुछ मत बोलिएगा। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया महबूब शाह का केस, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सेक्शन 34 दैट इज की कॉमन इंटेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था इस केस में, तो कॉमन इंटेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था, बताया गया था कि है ये क्या, ये काम कैसे करता है, तो ये था वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग मिरर का केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, हम आपको हर एक पॉइंट पे केस लॉ जो है वो सब बता चुके हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4, दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये जो ऑब्जर्वेशन था फॉर्म पार्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस, ये जो मुख्य बात थी कि दे आल्सो सर्व हु ऑन द स्टैंड एंड वेट, ये कॉन्सेप्ट किस केस से जुड़ा हुआ है? नंदा रसूल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, देन रामाशीष यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, ये कॉन्सेप्ट किस केस में इवॉल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? दैट इज दे आल्सो सर्व टू ओनली स्टैंड एंड वेट।
ये बात किस केस में निकल के सामने आया था, तक जवाब नहीं आया है। शशि जी का कहना है ए, चिका जी का कहना है डी। हिंदी पे फोकस मत कीजिए, हिंदी आज हम बोले ना, हिंदी थोड़ा टेक्निकल एरर हो चुका है, बहुत एरर है आज, हिंदी पे फोकस ना करें, पे आज फोकस ना करें, रिक्वेस्ट है हिंदी पे फोकस ना करें, थोड़ा सा आज का थोड़ा है राइट, हिंदी का थोड़ा सा एरर है, इसलिए हिंदी पे फोकस ना करें। चलिए, ये बात किस केस में बोला गया था? नहीं, चार ऑप्शन में वीरेंद्र कुमार वाला केस नहीं आया था। चार ऑप्शन में कहने का मतलब, इस प्रश्न का जवाब दीजिए रवलीन जी, उसके बाद बात करते हैं। देखो, ये केस है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस केस में पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद इज द राइट आंसर। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, सही जवाब क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर थ्री में कोई दिक्कत? सिमिलर कॉमन इंटेंशन के बीच का फर्क वीरेंद्र कुमार घोष का कब पढ़ते हैं? रवलीन जी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं। अगर ए जान बूझ के मतलब इंटेंशनली चाहता है बी का डेथ करना, पार्टली कैसे? तो उसको खाना ना दे के और पार्टली उसको मार के अगर मौत हो गई बी की, तो ए कौन सा अपराध किया? कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी ग्रीवियस हर्ट, या फिर ऑप्शन डी हर्ट। खाना नहीं दिया और मारा भी पार्टली, और मर गया अगर, वेरी गुड। क्या होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का? और ये कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में आता है? कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, ये किस सेक्शन का है? ठीक जा रहे हैं आप लोगों का जवाब सही है, वेरी गुड मरियम जी, ज्योति, हाँ वेरी गुड एवरीवन, सही सही जवाब है आप लोगों का। क्या है जवाब? दैट इज मर्डर। चलिए, इस सेक्शन में फिट करेंगे इसको, पार्टली बैक, पार्टली ओमिशन। हाँ, बी शिवांगी जी, कोमल जी राइट, राइट आंसर बी का, बी का दो सही है। मनीषा जी 35, वेरी गुड। सिद्धांत चक्र चतुर्वेदी जी का जवाब आ गया 37, इफेक्ट काउज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। वहां पे जेलर का एग्जांपल देता है, जेलर मारता है कैदी को, खाना भी नहीं देता है, इफेक्ट काउज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नेक्स्ट। हिंदी पे फोकस मत कीजिएगा, हिंदी का गलत है आज। क्या है? Which of one of the following section of the IPC defines voluntarily? Voluntarily शब्द को किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? 40, 38, 37 या फिर 36? किस सेक्शन में डिफाइन किया गया voluntarily? किस सेक्शन में voluntarily शब्द को परिभाषित किया गया है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सिंपल है। देखो, 39 तो वॉलंटरली है, वेरी गुड एवरीवन इज राइट, जिसका आंसर ए है। और 38 हम बता दें, 38 में क्या होता है? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। सारी क्रिमिनल एक्ट एक ही हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व अगर दो या उससे अधिक लोग हैं तो हो सकता है कि वो सारे लोग अलग अलग अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाए। 37 तो आप लोग देख ही लिए, और 36 क्या है? 36 क्या है? 36 पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, तो 37, 36 याद करके फटाफट बताइए क्या है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोकल लॉ जैसा कि सेक्शन 42 में दिया गया है मींस एंड इज एप्लीकेबल टू, पूरे भारत में लोकल लॉ अप्लाई होगा। ऑप्शन बी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एनी पार्ट ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर सेवन, वेरी गुड।
यहां पे ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जवाब होगा? बी, पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। और एक चीज और, एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है, हम आपको बता देना चाहते हैं। 36 जब बात उठा है तक जाएगा, जाने देते हैं। 34 क्या है? कॉमन इंटेंशन का सेक्शन। 35 है व्यक्ति सिमिलर इंटेंशन का कॉन्सेप्ट। 35, 6, 7 हमें आ जाता है। तो 35 में क्या होता है कि व्यक्ति जो जो इंटेंट के साथ कार्य करेगा उस इंटेंट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगी उसको, कि प्री अरेस्ट माइंड होता नहीं है। 36 में होता है इफेक्ट काउज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। 36 में होता है एक बात, तो 36 है। और 37 जो है, 37 बताता है आपको, यहां पे क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। तो 37 भी याद रहा और 38 तो बता ही दिए, क्रिमिनल एक्ट हुआ उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो हो सकता है कि सारे लोग एक ही क्रिमिनल एक्ट क्यों ना हो, सारे लोग अलग अलग अपराध के दोषी हो सकते हैं, राइट। तो 30 एक्ट हो गया, पर्सन कंसर्न्ड क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। 37 हो गया कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, और 36 हो गया पार्टली बाय एक्ट पार्टली बाय ओमिशन, 35 हो गया, 34 हो गया। क्या क्लियर हो गया? ये सब चीज क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 में आते हैं। इलीगल एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही जवाब? वेरी गुड, सही है। विकास जी का कहना है बी, नहीं बी गलत हो जाएगा। तो इलीगल शब्द को कहां डिफाइन किया गया है? ऑल ऑफ यू नो 43, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही। राइट आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगले सवाल पे आओ। इंजुरी का मतलब क्या अंडर आईपीसी? इंजुरी का मतलब क्या आईपीसी में? इंजुरी शब्द का मतलब क्या? इंजुरी शरीर को, प्रॉपर्टी को, माइंड को, या बॉडी माइंड रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, सारे को। इंजुरी का मतलब क्या? वेरी गुड क्वेश्चन नंबर, आ गया है जवाब रूमा जी का, वेरी गुड रूमा जी। इंजुरी टू बॉडी माइंड रेपुटेशन, ऐसा एक अपराध बताइए। ये तो अब हम आपसे पूछेंगे इंजुरी को कहां डिफाइन किया गया है, तो आप बता दीजिएगा कि सर सेक्शन 44 में है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा अपराध का नाम बताइए जिसमें इंजुरी बॉडी को भी होता है, माइंड को भी होता है, रेपुटेशन को भी होता है, प्रॉपर्टी को भी होता है। ऐसा कोई अपराध है? ऐसा कोई अपराध है जिसमें इंजुरी सारे चीजों को हो? बताइए कमेंट में जल्दी फटाफट। अगले सवाल में तब तक बढ़ते हैं हम लोग। 45 में लाइफ डिनोट किया गया है किसके लाइफ के बारे में? ऑप्शन ए लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, ऑप्शन बी लाइफ ऑफ एनिमल, या ऑप्शन सी लाइफ दोनों का, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड आकांक्षा मिश्रा जी, हाँ सिप्रा जी, वेरी गुड। कौन सा अपराध है यहाँ पे? बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी सब इंजर्ड होता है, चीटिंग, पनिशेबल अंडर सेक्शन 415 आईपीसी, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा? वेरी गुड, आ गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब लाइफ ह्यूमन बींग का। चलो 45 में क्या है? लाइफ है, वेरी गुड। और जस्ट 46 में क्या है? 46 में डेथ है, वेरी गुड। इस तरह से रिविजन भी करना है, लाइफ 45, 46 डेथ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द आईपीसी, nothing is said to be done or believed in good faith which is done या believed without due care or diligence होगा, या due attention या bona fide होगा,
या ड्यू केयर और अटेंशन होगा या ड्यू डिलीजेंस और बोनाफाइड होगा या फिर ई इनमें से कुछ भी नहीं होगा। गुड फेथ में एक्ट किया गया होता है तो फिर उसमें क्या होता है इन्वॉल्व? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सोच समझ के जवाब दीजिएगा 52 के डेफिनेशन को पढ़ते हुए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो 52 विदाउट क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर यहां पे? सोच समझ के, इतना आसान सवाल नहीं है। अंजलि जी अभी बहुत समय है अभी वैकेंसी में आने के, और वेरी गुड नम्रता जी, वेरी गुड। क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ई इज द राइट आंसर, ई सही जवाब है, ई सही जवाब है। हाँ डिंपल अग्रवाल जी, अब आप कर लिए, यहां पे और लिखा हुआ है और, इसलिए सी नहीं होगा, है ना। शब्द इस्तेमाल हुआ है क्या? Without due care, very good. Without due care and attention, right? Without due care and attention इस्तेमाल हुआ है सब, इसलिए none of these हो जाएगा। पल्ले पड़ गया, दिमाग में आ गया ना, very nice. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। Good faith within the meaning of IPC क्या होता है? चलो यहां पे समझ में आ जाएगा। Good faith में कार्य होता कैसे है? ड्यू केयर एंड अटेंशन, बी एक्चुअल बिलीफ दैट द एक्ट जो किया जा रहा है इज नॉट कॉन्ट्ररी टू लॉ, या फिर सी एन एक्ट इन फैक्ट डन ऑनेस्टली किया गया होता है, या फिर एक्ट डन अंडर बोनाफाइड बिलीफ। गुड फेथ में कार्य कैसे होता है? वेरी गुड सिप्रा जी, और गुड फेथ को कहां डिफाइन किया गया है ये तो आप लोग आंख बंद करके बता दोगे। 50 तो जवाब आ गया है इस कमेंट बॉक्स में, वेरी नाइस, वेरी नाइस मैक्स मिलर, ये इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, ये तो पहले भी बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये इज द राइट आंसर 12 का। 13 में आइए, टोटल कितना पनिशमेंट दिया गया है आईपीसी में? 3, 4, 5, 6। टोटल पनिशमेंट आईपीसी में कितना है? टोटल पनिशमेंट आईपीसी में कितना है? टोटल पनिशमेंट आईपीसी में कितना है? 3, 4, 5, 6। टोटल पनिशमेंट अंडर आईपीसी, रितु जी, सिप्रा जी, वेरी नाइस, रंजीत जी, वेरी गुड, वेरी गुड, शशि जी, वेरी गुड, ज्योति जी, मनीष, एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टोटल 5 है ना, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, कारावास दो प्रकार का होता है, सिंपल रिग्रेस, चौथा फाइन, पांचवा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं, इसमें से कौन सा पनिशमेंट नॉट इन एग्जिस्टेंस? अभी आईपीसी में कौन सा पनिशमेंट नहीं है ना, कौन सा पनिशमेंट आईपीसी में नहीं बताया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड? ए बी सी डी क्या होगा? वेरी गुड, कौन सा अपराध नहीं, कौन सा सजा, कौन सा पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है अस्तित्व में आज के डेट? वेरी गुड वशिष्ठ जी, मनीषा जी, रुचिका जी, प्रीता जी, ज्योति जी, साइनी जी, सभी लोग सही। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ पनिशमेंट हुआ करता था तब, कितने वर्ष के पहले? 1955 के पहले। 1955 में जो संशोधन हुआ उसके बाद एक सेक्शन जोड़ा गया 53A, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में काला पानी का सजा हुआ करता था, व्यक्ति को अंडमान निकोबार सुनसान इलाके में छोड़ दिया जाता था। तो जिस भी व्यक्ति को 1955 के पहले ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का सजा हो चुका था, 55 में संशोधन हुआ आईपीसी में, 53A जोड़ा गया
और उसके ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ के पनिशमेंट को जिसको भी हो रखा था अब वो माना जाएगा क्या, आजीवन कारावास माना जाएगा, राइट, वेरी गुड। 53 नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर एक पार्टिकुलर ऑफेंस कैरी मैंडेटरी सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट तो कंपनी को क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट कि किसी अपराध का अगर मैंडेटरी पनिशमेंट है कारावास इंप्रिजनमेंट तो कंपनी के साथ क्या हो सकता है अगर कंपनी ने अपराध किया तो कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस या फिर बी कैन बी कन्विक्टेड। अवेयर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कारावास नहीं हो सकता है या फिर सी कैन बी कन्विक्टेड और उसको फाइन भी हो सकता है या फिर डी कन्विक्ट भी होगा और उसका डायरेक्टर को होगा कारावास। क्या होगा सही जवाब? रवलीन जी का आंसर आ गया, रितु जी, कोमल जी, शशि जी, प्रीति जी, ज्योति जी, हाँ सही है आप लोग, वेरी गुड, ही इज द राइट आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से कंपनी अगर कोई अपराध करता है तो ये तो नॉन लिविंग है, इसको तो ऐसा कोई पनिशमेंट हो नहीं सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अल्टीमेटली कंपनी का जो कार्य होता है वो संचालित कौन करता है, तो होता है वो डायरेक्टर, तो भी इंचार्ज। कंपनी कोई अपराध करेगा तो सजा कारावास अगर होना है तो किसको होगा, डायरेक्टर को होगा, तो डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। डेथ सेंटेंस टू बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ सेंटेंस देने का कॉन्सेप्ट आया था किस केस में, डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही सुनाया जाएगा, ये बात किस केस में आया था? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, बी शेर सिंह, बिट्टू या फिर मेनका गांधी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मृत्यु दंड दी जाएगी, ये बात किस केस में इवॉल्व हुआ था? वेरी गुड सिप्रा जी, रितु जी, प्रज्ञा जी, आकांक्षा जी, नल स्टडी, ज्योति जी, रवलीन जी, एवरीवन, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। बाकी शेर सिंह का केस भी वेरी इंपॉर्टेंट, शेर सिंह के केस को हम पढ़ते हैं, शेर सिंह के केस को हम लोग टीवी पतिवरण के साथ पढ़ते हैं। पतिवरण के केस में बोला गया था कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो गया है, दैट इज की डेथ सेंटेंस हो गया है, और अगर उसके डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने में अगर डिले होगा तो फिर उसके डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट किया जा सकता है। ये टीवी पतिवरण का केस था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद शेर सिंह का केस आया जिसमें यह बोला गया कि जो अपराधी होगा वो अधिकार स्वरूप तो ये बात नहीं कर सकता है कि मृत्यु दंड के एग्जीक्यूशन में डिले हुआ है तो उसके डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर ही दिया जाए, उसका अधिकार नहीं बन जाता, राइट, ये बात था। और बिट्टू के केस में तो आप जानते ही हैं कि 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो देन उसके बाद मेनका गांधी का केस फेमस है, राइट टू हियरिंग आपका मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के अनुसार। अगले सवाल पे आते हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस केस में, चारों में से किस केस में, राइट, सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला इजाद की थी फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस सुनाने के लिए, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का इवोल्यूशन हुआ था, वो केस कौन सा था, फटाफट बताइए। महिंदर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, शंकर कृष्ण राव खेड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, शत्रुघ्न चौहान यूनियन ऑफ इंडिया या जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। विच वन इज द राइट आंसर? ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस, रितु जी, मनीषा जी, दृष्टि जी, वेरी गुड, सिप्रा जी गलत हो गया यहाँ, नम्रता जी आपका, राइट आंसर इज शंकर कृष्ण खेड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला इवॉल्व हुआ था फॉर अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस, वेरी नाइस मैक्स सर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं फटाफट। कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा पेयर? सेक्शन 93 में कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, 95 में एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म, 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 54A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा?
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। ए, ज्योति जी ध्यान से देखिए उसके बाद जवाब दीजिए, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। सिप्रा जी का कहना है डी, गलत गलत हो गया। मनीषा जी ध्यान से, कैसे आप लोग गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नल स्टडी, ध्यान से देखो। हाँ वेरी नाइस, ये बात आप सही पकड़े हैं, सी और डी दोनों गलत है। वेरी गुड वेरी गुड, सी भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि डेफिनेशन जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वो 55 में है, 55 ए में, और यहां पे 54 नहीं होगा, 5 होगा, तो दोनों गलत है। यहां पे सी डी दोनों गलत है, राइट, यहां सी भी गलत है डी भी गलत है। वेरी गुड, पता तो हिंदी आज थोड़ा गड़बड़ा गया है, समझ में आ गया बात, सी भी गलत है डी भी गलत है। चलिए तो कम्यूटेशन इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कहां होता है, 55 में होता है, और डिफिनेशन कहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, तो 55 ए में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। अगर मान लो कि किसी अपराध का फाइन होगा कितना ये नहीं बताया गया है आईपीसी में, तो वैसे संबंध में उन अपराधों के लिए अपराधी को कितना जुर्माना हो सकता है, उस अपराधी को कितना जुर्माना हो सकता है ये बताइए। अप टू द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जितना मजिस्ट्रेट को पावर होगा फाइन इंपोज करने का उतना ही, या फिर अनलिमिटेड बट एक्सेसिव नहीं, अप टू 10,000, या फिर इसमें से सारे, क्या होगा राइट आंसर। और ये बात सेक्शन किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, हाँ आ गया जवाब, अनलिमिटेड तो हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा। सेक्शन अंडर विच सेक्शन, 63 अमाउंट ऑफ फाइन है ना, 63 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट। इन केस ऑफ एन ऑफेंस, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, अगर मान लो अपराध का सजा सिर्फ फाइन है, तो ऑफेंडर जिसको फाइन पे करने को बोला गया है एक्सीडिंग 100, और अगर उसने फाइन पे नहीं किया, उसको फाइन पे नहीं करने के कारण कितना इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 1 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, या 2 महीने का, क्या होगा सही जवाब। अपराध जिसका पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, फाइन नहीं दिया और फाइन जो है वो 100 रुपए से अधिक का लगा है, फाइन नहीं देने के कारण कितना हो सकता है कारावास। वेरी नाइस वेरी नाइस, तो सही जवाब है 6 मंथ, 6 मंथ का होगा। सेक्शन कौन सा, 67। देखो अगर 50 रुपए तक होता ना, लेकिन समझ लो बात, 67 क्या कहता है, 0 से 50 होता फाइन का, मतलब 0 से 50 नहीं करो, 1 से 50 करो, फाइन नहीं दिया तो 2 मंथ, और 50 से 100 होता तो कितना होता, 4 मंथ, और 100 से अधिक है ना, 6 मंथ, करेक्ट। ये सीक्वेंस याद रखना, 1 से 50, 50 से 100, और 100 से ऊपर 6 मंथ, कहां पे है, 67 में। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सेक्शन बताइए जहां पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात किया गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में, सेक्शन 71, 2, 3, या फिर ऑल ऑफ दी, इसमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दी अबव, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में कहां बात किया गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेके प्रोविजन कहां पे है, 71, 72, 73। हाँ वेरी नाइस वेरी गुड रितु जी, वेरी गुड, हाँ 73 में है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट।
अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेकर भी एक बात याद रखना, अगर अपराध जो है ना नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ हुआ इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के केस में ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुनाया जा सकता है, और अगर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 6 मंथ से अधिक नहीं है तो फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का होगा, और अगर 6 मंथ से अधिक है और 1 साल से कम है ना होगा 2 मंथ हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और अगर 1 साल से अधिक हुआ है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट तो 3 महीने का हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये भी सीक्वेंस को याद रखना कि 73 में ही इनिशियल बता दिया गया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 73 ऑफ द आईपीसी डिस्क्राइब मैक्सिमम लिमिट। वाह, मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 6 साल या इनमें से कोई भी नहीं। मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा? वेरी नाइस, जवाब आ गया है दिलीप जी, सिप्रा जी अभी जस्ट डिस्कस किए, सी समझ में आ गया 3 मंथ। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देते हैं, सेक्शन 74 को पढ़ोगे तो वहां पे एक दो चीजें याद रखना, किसी भी व्यक्ति को लगातार 14 दिन का नहीं हो सकता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लगातार 14 दिन से अधिक का लगातार नहीं हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक बात। दूसरी बात, जब आप 74 को पढ़ते हो तो कहता है कि अगर मान लो कारावास रिग्रेस इंप्रूवमेंट 3 मंथ से अधिक का है, राइट, तो प्रति मंथ एक व्यक्ति को 7 दिन तक ही कारावास हो सकता है, रिग्रेस दैट इज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है, मतलब हर एक मंथ में 7 दिन का ही होगा, 7 दिन से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी चीज याद रखना 74। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में जब भी बात होगा तो सुनील बत्रा का केस ऑफ इंडिया या फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कहीं लिखाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रीवियस कन्विक्शन के आधार पे इनहेंस्ड हो जाता है पनिशमेंट, ये बात किस सेक्शन में है? 76, 71, 68, 75। इनहेंस्ड पनिशमेंट और प्रीवियस कन्विक्शन, अगर आप पहले से किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हो तो आपको दोबारा उस अपराध को करने के लिए पनिशमेंट अधिक होगी। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 75 सही जवाब है। और पता है ना आपको कितना हो सकता है, और वो अपराध किस किस, वो अपराध किस किन चैप्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए? वो अपराध का संबंध चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के अंतर्गत आना चाहिए। तो इन चैप्टर के अंतर्गत व्यक्ति अगर एक अपराध किया दोबारा करेगा तो उसको फिर सजा जो होगी वो तो वही नहीं तो दिया गया एक्चुअल में होगी, 75 अप्लाई होगा, आजीवन कारावास भी हो सकता है या कारावास 10 साल का भी हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और जनरल एक्सेप्शन किस चैप्टर में है? जनरल एक्सेप्शन किस चैप्टर में है? चैप्टर 3, 4, 5, 6 जनरल एक्सेप्शन किस चैप्टर में है? 3, 4, 5, 6 फटाफट फटाफट, हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड, किस चैप्टर में है फटाफट, अभी तक जवाब नहीं आया है, वेटिंग फॉर योर आंसर। आ गया कोमल जी, ज्योति जी, रवलीन जी, मनीषा जी, तेज जी, वेरी गुड। चैप्टर नंबर, चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में पनिशमेंट है। चैप्टर 5 में क्या है? अबेटमेंट है। चैप्टर 6 में क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, राज्य के विरुद्ध अपराध, चैप्टर 6, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 76 एंड 79 जनरल एक्सेप्शन किस बात का है? 76, 79 में जनरल एक्सेप्शन है मिस्टेक ऑफ लॉ का, फैक्ट का, दोनों का, या आइदर मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट, क्या है, क्या है सेक्शन 76, 79 में? इसमें इन दोनों सेक्शन के साथ एक मैक्सिम को पढ़ना पड़ता है, वो मैक्सिम क्या है? इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूज है,
प्रिंसेस लेगिस नेमिनम एक्सक्यूज। अब इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, छबनीय होती है भूल किसकी किसकी नहीं। वेरी गुड, तो यहाँ पे सही जवाब है 76। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। स्टेक ऑफ फैक्ट का, हालांकि 76 में जो व्यक्ति होता है वो बाउंड होता है कार्य करने के लिए अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और 79 में ना व्यक्ति जस्टिफाइड होता है, ये फर्क है। फर्क पूछो के दोनों के बीच तो ये है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए फटाफट। एक सोल्जर गोली चला देता है भीड़ पे अपने सुपीरियर ऑफिसर के अनुमति दिशा निर्देश पे, परमिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। अब यहाँ पे बताओ कि एक जो सोल्जर है, ऑप्शन ए कहता है कि उसने अपराध किया, बी कहता है नहीं किया, सी कहता है कि उसने मर्डर किया, या फिर डी कि इसमें से कुछ भी नहीं किया, क्या होगा? क्या होगा? एक सोल्जर अगर अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे आदेश पे गोली चला दे और उसको ये लगता है कि वो उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य है अंडर लॉ, तो वो लाइबल होगा, वो सिपाही लाइबल होगा। वेरी गुड, कोई अपराध नहीं किया, सेक्शन कहाँ आ जाएगा? 76, क्योंकि वो खुद को बाउंड समझ रहा है अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ, वो खुद को बाउंड समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 20 द राइट आंसर। एक जल्लाद जो कोर्ट के आदेश पे फांसी पे लटकाता है, हालांकि उसका नॉलेज है कि वो लटकाएगा तो व्यक्ति मरेगा, तो वो मर्डर ही माना जाता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। आखिर वो बच जाता है क्यों? बच रहा है तो किस सेक्शन के अनुसार बच रहा है? 76, 8, 7, दो दो 70, यहां पे क्या करना, इसको 9 कर लो, राइट, इसको 9 कर लीजिए आप लोग। अब जवाब दीजिए, डी को 9 कर लो और जवाब दो उसके बाद। हाँ 9, डी को 9 कर लीजिए, वेरी गुड। हाँ तो 78 इज द राइट आंसर, 78 सही जवाब है, 78 इज द राइट आंसर। हाँ, और जज साहब बच जाते हैं, अगर जज साहब कोई निर्णय देते हैं और वो निर्णय गलत होता है बाद में जाके, जज साहब बच जाते हैं, तो जज साहब बच रहे किस सेक्शन के अनुसार? जज साहब बच जाते हैं 77 के अनुसार, हालांकि मस्ट एक्ट अंडर गुड फेथ, राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सवाल पे। इसमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के डिफेंस के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा? एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज का होना, एक्ट लॉफुल होना, लॉफुल तरीके से होना, और डन विथ ड्यू अटेंशन के साथ होना, कौन सा? नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, वेरी गुड, नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर एक्सीडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है? हाँ वेरी नाइस, 28 का, वेरी गुड वशिष्ठ जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। चलिए सही जवाब आप कोमल जी, नहीं रितु जी, गलत हो गया यहाँ पे, वेरी गुड नम्रता जी, इज द राइट आंसर। डन विथ यहाँ पे लिखा गया है ड्यू अटेंशन, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पे? यहाँ होना चाहिए था कर्म इस्तेमाल, प्रॉपर केयर एंड कॉशन, प्रॉपर केयर एंड कॉशन इस्तेमाल हुआ है सब, राइट, यहाँ पे वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं। 80 डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, राइट, समझ में आ गया बात रितु जी, गलत क्यों हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो एक एक ए ए नाम का व्यक्ति है, वो काम कर रहा है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, अब कुल्हाड़ी का जो ऊपर का लोहा का पोर्शन होता है, हेड फ्लाइज ऑफ, वो गिर गया, खुल गया, और बगल में खड़ा एक व्यक्ति था वो पड़ गया, अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर केयर कौशन से
there was no want of proper care and caution on the part of A. मतलब A ने proper care and caution लिया था, सावधानी बरता था, फिर भी कुल्हाड़ी से वो X जो ऊपर का पोर्शन होता लोहा का वो खुल के गिर गया, बगल में खड़ा व्यक्ति था उसको लगा वो मर गया। A यहाँ गिल्टी होगा। ऑप्शन A कहता है कि उसका जो एक्ट होगा वो एक्सक्यूजेबल होगा और अपराध नहीं है। B कहता है मर्डर है। C कहता है ये कल्पेबल होमिसाइड है, या फिर D कल्पेबल होमिसाइड है बट इट नॉट अमाउंट टू मर्डर। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 29। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। ए अगर ये प्रॉपर, अच्छा अब बता रहा हमको ये इस बात, अगर यहाँ पे वो प्रॉपर केयर कौशन नहीं लेता तो क्या होता? अगर उसने प्रॉपर केयर एंड कौशन लिया तो वो बच गया लाइबिलिटी से, लेकिन अगर वो नहीं लेता तो फिर वो किस अपराध के लिए होता जिम्मेवार? वो किस अपराध के लिए जिम्मेवार होता? नहीं, यहाँ पे वो अपराध का जिक्र ही नहीं है। वो किस अपराध के लिए जिम्मेवार होता अगर वो प्रॉपर केयर कौशन नहीं लेता तो नहीं, वो 304 ए के अंतर्गत जाता। हाँ, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। वो किस सेक्शन के अनुसार जाता? हाँ, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। वेरी गुड मैक्स मुलर, वेरी गुड। ये दिमाग लगा के चलना है, थोड़ी जरूरी के ऑप्शन में ही आंसर हो उसका, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आर वर्सेस डुडलन स्टेफन का केस है, इसका संबंध है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, मिस्टेक या फिर नेसेसिटी। आर वर्सेस डुडलन स्टेफन का संबंध किस पॉइंट से है? बहुत फेमस केस है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, मिस्टेक, नेसेसिटी। सिप्रा जी वेरी गुड, वेरी गुड। रवलीन जी, ज्योति जी क्या गलती? आर वर्सेस डुडलन स्टेफन ये तो 72,000 बार हो गया है, फिर भी गलती हो रहा है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से संबंधित है। इंसैनिटी कब आता? इंसैनिटी इस्तेमाल तब होता जब मैग्नॉटन का केस होता, जब वाइल्ड वर्सेस विस्ट का केस होता, राइट? तब ना। वासुदेव का हम आपसे पूछते हैं तो आप बोलते हैं ये बी, तो सही जवाब क्या है? नेसेसिटी, सेक्शन 81, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का। याद आया बात कुछ? डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, तीन लोग एक बच्चा सफर पे निकला समुद्र का, खाना घूम वो लोग गुम हो गए, खाना भी नहीं रहा, बच्चा मरने की स्थिति में, बच्चे को मार के वो लोग जिंदा थे। याद आया कुछ? याद आ गया, चलिए वेरी गुड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्फेंसी अपवाद है, किस सेक्शन के अनुसार? इन्फेंसी इज एन एक्सेप्शन, डिफेंस मिल जाएगा आपको किस सेक्शन के अनुसार? 80, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 82 या ऑप्शन डी 84। इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या होगा? 31 का सी। वेरी गुड रवलीन जी, दिलीप जी, नल स्टडी, सिप्रा जी वेरी गुड, तेज जी वेरी गुड, एवरीवन। जो लोग 82 कर रहे हैं ना, इनसैनिटी होता तो आप लोग जाते 84 के साथ। तो 82, 83 के दो सेक्शन है ना, ये दो सेक्शन है, एक में एब्सोल्यूट प्रिविलेज और एक में क्वालिफाइड प्रिविलेज है। नेक्स्ट, कुछ भी अपराध, नथिंग इज एन ऑफेंस माना जाएगा अगर किया गया एक बच्चे के द्वारा, और वो बच्चा एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, अगर वो ऑप्शन ए कहता है 7 वर्ष से कम का है एज उसका आयु, ऑप्शन बी अगर वो 7 और 12 के बीच है, ऑप्शन सी अगर वो 12 और 18 के बीच का है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, तब एक बच्चा के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। वेरी गुड, तब एक बच्चा के द्वारा किया गया
भारी अपराध नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू आर राइट, ए इज द राइट आंसर 82 के अनुसार। लेकिन अब आपके मन में ये तो प्रश्न नहीं उठ रहा है ना कि why not बी, बी भी तो सर 83 के अकॉर्डिंग होता है, तो बी में सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, बच्चा 7 से 12 के बीच हो तो वो अपराध तब नहीं माना जाएगा जब वो इमैच्योर हो, राइट, जब वो ना समझ हो, जब उसको समझ नहीं आता कि वो जो करता है वो क्या कर रहा है, राइट, तब। अदरवाइज अगर 7 से 12 के बीच है, मैच्योर है, तो पनिश्ड होगा। अच्छा एक बात बताना हमको, एक सवाल पूछे आप लोगों से, एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चे ने अपराध किया, उसका उम्र अगर 7 साल से कम है, 6 साल का है, खून कर दिया, तो क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्या उसके खिलाफ मुकदमा होगा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा होगा, ट्रायल होगा, होगा अरेस्ट, वो उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा, चलेगा। इसलिए तो इमैच्योरिटी नहीं लिखा गया था, इसलिए तो बी को हम नहीं माने सही, ए को माने मोस्ट एप्रोप्रिएट को, राइट, हाँ, उसको उसका अरेस्ट भी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, तभी तो कोर्ट तक बात जाएगा, कार्रवाई होगी, वही तो ट्रायल में सबूत पेश किया जाएगा कि उसका उम्र जो है वो 7 से कम है, इसलिए वो कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा, तो राइट, वेरी नाइस, तो उसको, हाँ, उसको अरेस्ट भी किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो डॉली इनकैपेक्स का है ना, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, इसका संबंध आईपीसी के किस सेक्शन से है, 509, 309, 59, 82, किस संबंध से है डॉली इनकैपेक्स, जो मैक्सिम सिद्धांत है किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, वेरी गुड रवलीन जी, एवरीवन, जो लोग ठीक और सही किए, 82 इज द राइट आंसर है ना, 82 इज द राइट आंसर, डॉली इनकैपेक्स 82 है। चलो अभी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर 82 दैट इज डॉली इनकैपेक्स, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं, डी इज द राइट आंसर। इस केस में अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा कोई व्यक्ति, कब, ऑप्शन ए अगर एडल्ट मैन किल अनदर पर्सन विद अ नाइफ, ऑप्शन बी एक एडल्ट वुमेन किल हर न्यूली बॉर्न चाइल्ड, या ऑप्शन सी एक आदमी जिसका उम्र 75 साल है अगर उसने रेप किया महिला का, या फिर डी एक बच्चा जिसका आयु जो है वो है 7 साल से कम और उसने अपने पिता को शूट किया विद रिवॉल्वर और उसके पिता मर गए, कब वो दोषी नहीं होगा, वेरी नाइस, तो यहां पे वो दोषी नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा 82 के अनुसार, राइट, एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिल जाएगा कि मैच्योर था, इमैच्योर था, समझदार था या नहीं था, फर्क नहीं पड़ता, वेरी नाइस, तो 82 इज द राइट आंसर, मतलब कि 82 सेक्शन के अनुसार ऑप्शन डी 34 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एप्पल पेनी टेस्ट है, इसका संबंध आईपीसी के किस सेक्शन से है, एप्पल पेनी टेस्ट जो है वो आईपीसी के किस सेक्शन से जुड़ा हुआ है, 83, 84, 85, 86, एप्पल पेनी टेस्ट, कमेंट फास्ट, वेरी नाइस, एप्पल पेनी टेस्ट का संबंध सेक्शन से जुड़ा हुआ है, सोच समझ के रुद्राक्षी जी, सोच समझ के सिप्रा जी, एप्पल पेनी टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, एप्पल पेनी टेस्ट नाम से पकड़िए, एप्पल पेनी टेस्ट,
देखो ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो जुड़ा हुआ है वो 83 से जुड़ा हुआ है ना, 83 जो कि क्वालिफाइड प्रिविलेज के बारे में बात करता है, 84 नहीं है। 84 तो मैग्नाटन, 84 85 की तरफ क्यों चलेगा आप लोग? ये तो इंसैनिटी हो गया, ये इंटॉक्सिकेशन, एप्पल पेनिटेस्ट है। ये कहां से आया? एक बच्चा फिर भी नहीं माना जाएगा या माना जाएगा कि वो दोषी या निर्दोष है, वो किस आधार पर माना जाएगा? तो इसके लिए मैच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था दैट इज कॉल्ड एप्पल पेनिटेस्ट। हाँ, 35 का ए, यही सुप्रीम कोर्ट उसी बात को क्लेरिफाई की, मैच्योरिटी के आधार पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो यही था, उसका संबंध 83 से है, राइट। चलिए बाकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ये नया क्वेश्चन है और ये याद रखिएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 84 का संबंध है मेडिकल इंसैनिटी, लीगल मोरल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड। किस प्रकार के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है सेक्शन 84? 84 का संबंध, हाँ वेरी गुड, यही तरीका ज्योति जी, ठीक है। एप्पल पेनी टेस्ट नया क्वेश्चन था, 83 से था, आपने तुरंत बेर एक्ट में लिखा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, सोच समझ के 84 का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमको चाहिए। वेरी गुड सालू जी, रितु जी, हाँ वेरी गुड। अब हुआ लीगल इंसैनिटी से जुड़ा हुआ है, लीगल इंसैनिटी से, राइट। लीगल इंसैनिटी इज नॉट अ डिफेंस अंडर सेक्शन 80, लीगल इंसैनिटी से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, 84 लीगल इंसैनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। वाइल्ड विश टेस्ट प्रपाउंड हुआ था किस केस में? वाइल्ड विश टेस्ट प्रपाउंड हुआ किस केस में? हेडफील्ड, डोअर्स, फेरर्स या आर वर्सेस अर्नोल्ड? आर वर्सेस अर्नोल्ड है ये। किस केस में वाइल्ड विश टेस्ट इवॉल्व हुआ? सर क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी एग्जाम में नहीं आते। अब क्या करोगे, हर बार क्वेश्चन ममता जी हार्ड ही हो जाए, ये भी इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं होता। तो कभी कभी क्वेश्चन जो टाइपिस्ट टाइप करता है वो इजी भी टाइप करता है, क्योंकि वो सिक्वेंस में टाइप करता है प्रीवियस ईयर। चलिए, तो वाइल्ड विस्ट टेस्ट का जो प्रपाउंडेशन हुआ था वो किस केस में हुआ था? सोच और समझ के जवाब दीजिएगा। वाइल्ड विस्ट टेस्ट अभी तक, हाँ सृष्टि जी वेरी गुड, ज्योति जी वेरी गुड, नल स्टडी, आकांक्षा जी, रवलीन जी, मनीषा जी, ऑल ऑफ यू आर राइट। आर वर्सेस अर्नोल्ड, आर वर्सेस अर्नोल्ड। वाइल्ड विश टेस्ट में क्या, किस आधार पे कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को तय करने में, अगर मान लो इनकैपेबल है कि वो सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको मानेंगे कि वो अनसाउंड है। इफ अ पर्सन इज इनकैपेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, देन ही इज सेड टू बी अनसाउंड माइंड। ये कॉन्सेप्ट था वाइल्ड विश टेस्ट, आर वर्सेस अर्नोल्ड इज द राइट आंसर, राइट। चलो वेरी गुड, अब समझ में आ गया बात ज्योति तोमर जी, आपको क्या है वर्ल्ड विस्ट टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि कौन सा रूल डज नॉट डील विथ इंसैनिटी टेस्ट? इंसैनिटी टेस्ट से संबंधित कौन सा नहीं है टेस्ट, इंसैनिटी संबंधित नहीं है? डरहम, लोकस पोनिसिया या फिर मैग्नाटन या इरेस्टिबल इंपल्स? इनसैनिटी टेस्ट से संबंधित नहीं है कौन सा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ? यहां पे एक काम कीजिएगा, जस्ट अ मिनट सर, ये वीडियो बाद में भी हर वक्त अवेलेबल रहेगी यहां पे ना। चलो जवाब दीजिए, ऐसे भी आपको पता ही है। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड वेरी गुड रवलीन जी, ये गलत हो गया आपका। नम्रता जी ध्यान से, अरे आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कौन सा जो कॉन्सेप्ट है संबंधित है, ये पूछ रहा है।
है ना, संबंधित है। तो डरहम का तो आप लोग पढ़े ही है, इररेसिस्टिबल का भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैग्नॉटन का भी पढ़े हैं। हालांकि ऑल ऑफ यू नो कि इररेसिस्टिबल इंपल्स जो है ये आज के डेट में ना तो इंग्लैंड और ना ही भारत में लागू है, लागू नहीं है, लेकिन संबंधित तो है पागलपन के टेस्ट से। तो सही जवाब क्या होगा, लोकस पॉनिटेंसियस है ना, या पॉनिटेंसिया जो बोल लो आप इसको, लोकस पॉनिटेंसिया या पॉनिटेंसियस जो आप इसको प्रोनाउंस कर लो, ये नहीं है संबंधित। बाकी डरहम का, मैग्नॉटन का, इररेसिस्टिबल इंपल्स का, ये सब है। और डी आप लोग इसलिए मार दिए रेवलिन जी, नम्रता जी, क्योंकि आपको लगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये लागू नहीं, ये लागू नहीं है इंग्लैंड और इंडिया में, इसका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं, लेकिन संबंधित तो है ये, राइट। चलिए बात समझ में आ गया, समझ में आया बात ममता जी, आपसे बस इतना पूछा था कि फॉलोइंग रूल डज नॉट डील विथ, संबंधित नहीं है, डील नहीं करता है, एप्लीकेबिलिटी को लेके नहीं पूछा था बात। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो यहां पे, अब इस प्रश्न के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो समझाना चाह रहे हैं। इररेसिस्टिबल इंपल्स डिफेंस है, भारत में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड और भारत दोनों में, या दोनों में से किसी भी जगह नहीं है, होगा इसका सही जवाब। सर उसका मीनिंग बता दीजिए, अच्छा पहले इसका जवाब दीजिए, हम बता देते हैं, तब जवाब दीजिए उसके बाद हम बताते हैं मीनिंग क्या है। वेरी गुड, तो ये देखो यहां पे इसका एप्लीकेबिलिटी को लेके बात किया जाए, ये आज के डेट में ना भारत में और ना ही इंग्लैंड पे लागू, कहीं लागू नहीं है, है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। और आप लोगों में से लोकस पॉनिटेंसिया का ये जो मतलब होता है ना, लोकस पॉनिटेंसिया या पॉनिटेंसिया जो वट एवर यू कॉल, ये इसका जो मतलब होता है वो होता है डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशन, दायित्व से मुक्ति। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लागू होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब पढ़ोगे तो वहां आप ये कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, लोकस पॉनिटेंसिया, ये याद रखना बस। इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। अब अगर हमको इंटॉक्सिकेशन का अगर डिफेंस देना है और हमको बचना है क्रिमिनल लाइबिलिटी से, तो इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड इच्छा के विरुद्ध, नॉलेज के विरुद्ध, या फिर सी शुड नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, या ऑल ऑफ दी अबव, कैसा होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया इंटॉक्सिकेशन का, दो प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है, एक है वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन और एक है इनवॉलेंटरी, इच्छा के विरुद्ध और इच्छा के अनुसार। तो ये आपको मिल जाएगा डिफेंस जब आपके इच्छा के विरुद्ध, जनरल रूल पे है ना 85, और ये इनवॉलेंटरी हुआ, वॉलेंटरी कहाँ 86 में है, 86 में भी मिलता है, 86 में भी मिलता है डिफेंस, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन की एक व्यक्ति ना पी लिया, अब वो उस अवस्था में नहीं है कि वो खुद को समझ पाए, सोच पाए कि वो कर क्या रहा है, राइट, इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। अगर वो इतना पी लेता है खुद से भी, तो अब वो उस सिचुएशन में नहीं है, तब जाके उसको वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का भी डिफेंस मिलता है, लेकिन जनरल रूल के अनुसार नहीं मिलता, अपवाद के तौर पर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा सेशन हो जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल एक्सेप्शन, अपवाद नहीं है, एक्ट बाय अ पर्सन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो वो खुद को समझता है करने के लिए बाध्य है कानून के अनुसार, या एक्ट डन इन परसुएंस टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या फिर सी एक्ट अगर हुआ उस व्यक्ति के द्वारा जो इनकैपेबल है ऑफ जजमेंट इंटॉक्सिकेशन के कारण, या एक्ट
लाइकली टू काउज हार्म बट डन हुआ है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट फर्दर हार्म। इट्स नॉट अ जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन नहीं है। कौन सा यहाँ जनरल एक्सेप्शन नहीं है ये बताइए। जनरल एक्सेप्शन नहीं है सीपीसी सून स्टार्ट क्लासेस आप लोग का। अब जब आप लोग बात छेड़ दी हो तो सुन लो नम्रता जी, एक बात इस प्रश्न का जवाब दीजिए उसके बाद बात करते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा सही जवाब? नॉट अ जनरल एक्सेप्शन। अब यहां पे देखो सोच समझ के देखिए, यहां पे अगर चारों ऑप्शन को आपको दिख रहा होगा तो आप बोलेंगे सर, अब आपके दिमाग में बात घूमता होगा ये बात जरूर, सर ये जो ऑप्शन है ये तो माथा घुमा रहा है। क्यों? 76 में ये कॉन्सेप्ट आता है, एक्ट डन पर्सन टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये तो सर 78 में आ जाता है। उसके बाद सर आप ये बोल रहे डी को भी आप लोग मार दिए दिलीप जी ना सोचे समझे, तो आपके दिमाग में आता होगा सर एक्ट लाइकली टू काज काउज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और टू प्रिवेंट अदर हार्म, तो ये तो सर नेसेसिटी के केस में 81 में आ जाता है। और सर जब आप बात कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो सर ये तो 85-86 में आता है, राइट? यही आपके मन में विचार आ रहा होगा। और ये सब जनरल एक्सेप्शन है, और ये सब के सब जनरल एक्सेप्शन है, तो फिर सर सही क्या होगा? यहां पे आप अगर गौर करो तो यहां जो पॉइंट नंबर सी है उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, इंटॉक्सिकेशन जो हुआ है वो हुआ कैसे है, राइट? इंटॉक्सिकेशन कैसे एडमिनिस्टर हुआ, इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध? इस बात पे तो चुप है ऑप्शन, तो इस बात पे चुप है कि इच्छा से हुआ या इच्छा के विरुद्ध हुआ, इस बात पे ऑप्शन चुप है ना। तो हो सकता है ना कि ये मामला 86 में भी आ सकता है, और 86 में एज अ जनरल रूल अगर कोई व्यक्ति खुद पी ले और अपराध कर दे तो वो उसको डिफेंस मिलता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्या होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा सी। तो वाई सी इज द करेक्ट आंसर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी क्यों सही जवाब है ये समझ में आया आप लोगों को, राइट? चलिए तरीके से तोड़ तोड़ के बातों को समझना पड़ता है। हाँ वेरी नाइस, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आओ फटाफट। आईपीसी में कंसेंट का डिफेंस अवेलेबल नहीं है, किस केस में? डिफेंस ऑफ कंसेंट नॉट अवेलेबल, अगर कंसेंट हुआ है टू काउज डेथ, टू काउज ग्रीवियस हर्ट, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं, तब आपके पास, हाँ राइट वेरी गुड, यही तो होता है। और इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना करना है 100-150, इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड पे जब आप मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हो आते हो तो फिर क्या आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, क्या आप मजबूर होते हो सेक्शन को रिकॉल करने के लिए, क्या आप इंटरप्रेट करने के लिए आपका दिमाग बेबस हो जाता है? अगर ये होता है, अगर आपका दिमाग बेबस होता है इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब कि आपका रिविजन हो रहा, और यही तो चाहिए हमको। चलिए बाकी तो आप लोग जवाब दे ही दिए, बोथ ए एंड बी, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस ऑफ कंसेंट 87, 88, 89, ये तीनों देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कीजिए, बहुत समय हो गया है। आप लोग का 9 बजे भी क्लास है, सेक्शन 9 बजे भी आप लोग का लेक्चर सीरीज है, आज आईपीसी का लेक्चर क्लास है, कंटिन्यू करेंगे आज। अच्छा हाँ, एक और खुशखबरी था जो आप लोगों को बताना था कि हो सकता है मे बी कल से अनअकैडमी की क्लासेस शुरू हो जाए, राइट नम्रता जी? हो सकता है कि कल से अनअकैडमी का क्लास हो जाए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे क्लास अनअकैडमी का शुरू होगा हम लोग जीपीसी को कंटिन्यू करेंगे जहां तक पहुंच गए हैं, फिर मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे भी होगा। वेरी नाइस, चलो बाकी जो क्लासेस हो रही थी यूट्यूब पे वो होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी कंसेंट इज नॉट वैलिड कंसेंट, कब माना नहीं जाएगा कंसेंट वैलिड है?
ऑप्शन ए गिवन अंडर फियर ऑफ इंजुरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या गिवन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये तो चलो ठीक है, 43 का जवाब आ गया है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना रहता है कि क्या बोले ही। चलिए वेरी गुड। वेरी गुड मैक्स मूलर, बहुत बढ़िया जवाब। तो इसका सिंपल कॉमन था। तो कंसेंट टू बी वैलिड अंडर विच सेक्शन हम लोग जाएंगे, सेक्शन 90। हाँ, 90 में बताया गया कौन सा कंसेंट वैलिड कंसेंट है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक सर्जन है, उसने गुड फेथ में बोल दिया पेशेंट को कि उसका मानना है कि वो जिंदा नहीं रहेगा काफी दिन तक, अब उसके पास समय नहीं है। एक डॉक्टर, अब मान लो आप एक व्यक्ति इलाज कराने गया, अब डॉक्टर उसको गुड फेथ में बोला कि तुम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हो, ये सुन के वो पेशेंट मर गया। अब जो पेशेंट का परिवार वाला है, तब कर दिया मर्डर का केस। सवाल ये है सर्जन का क्या है लाइबिलिटी, क्या उसने मर्डर किया? ऑप्शन बी कहता है कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया, सी कहता है कि उसने मर्डर को अबेट किया है, या डी उसने ऑफेंस किया है शॉक का। सेक्शन कौन सा आएगा यहां पे? वेरी नाइस, तो कोई अपराध नहीं हुआ, कमिट नो ऑफेंस, 93। लेकिन अगर गुड फेथ नहीं होता तो, गुड फेथ के कारण बच गया, फेथ नहीं होता ना तो ही इज लाइबल फॉर मर्डर, तो मर्डर के लिए हो जाता जिम्मेवार, फेथ के कारण बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 प्रिंसिपल अंडरलाइंग इन सेक्शन 95। सेक्शन 95 में कौन सा सिद्धांत है? 95 में डी मिनिमिस नॉन क्रिटलेक्स, या वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, नॉन कंपस मेंटिस, या फिर डी एक्टस मी इनविटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मी सेक्टर्स। 95 का संबंध, 95 का संबंध है कम्युनिकेशन। 88 नहीं, डिंपल अग्रवाल, 88 में अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? हाँ, तो कंसेंट होता ही है। वेरी नाइस, 45 का सही आंसर है डी मिनिमिस नॉन क्रिटलेक्स। और वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का कहां कहां सेक्शन है? 87, 88, 89। नॉन कॉम्पस मेंटिस का 84। एक्टस मी इनविटो फैक्टस और नॉन एस्ट मींस एक्टस, इसका बताओ तो डी का, डी का बताइए। सून, बस एक सप्ताह के भीतर खुद का भी ऐप लॉन्च हो जाएगा नम्रता जी, खुद का भी ऐप बहुत जल्द, एक सप्ताह के भीतर जैसे लॉन्च होगा वैसे आप लोग को पता तो चल ही जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मींस एक्टस, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट, मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं माना जाएगा। क्या होगा इसका सेक्शन बताओ? सेक्शन डी का रितु जी रवली, हाँ वेरी नाइस रवलीन जी, ये न हुआ बात। 94 है ना, एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, 94। वेरी नाइस, यही होना चाहिए। लेकिन ये 94 नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ टू ऑफेंसेस, इन केस ऑफ मर्डर एंड इन केस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस, राइट? ये दो अपराध में नहीं लागू होता है। वेरी नाइस। APO, APO not app, app. We are also launching our own app. बहुत जल्द इन रिव्यू है, प्ले स्टोर में आपको दिख भी जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे हम भी शेयर कर देंगे उसका, राइट? तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म, छोटे मोटे हार्म अगर हो गया किसी कार्य से तो क्या है ये? अपराध नहीं है, ऑफेंस नहीं है, अगर उस हार्म इतना स्लाइट है कि कोई आम नागरिक है ना, आम टेम्पर का वो कंप्लेन नहीं करेगा, या नॉन ऑफ दी अबव। क्या होगा स्लाइट हार्म, इस कार्य से स्लाइट हार्म हो? वेरी नाइस, कमेंट फास्ट फटाफट कीजिए। हाँ वेरी नाइस, बी नहीं नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है आप लोग, सब लोग बी 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 बी
हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी, और सी क्यों नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सी ना हुआ, नो ऑफेंस इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट की नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। गड़बड़ी हो गया, सी तो आधा अधूरा है, सी पूरा है, गड़बड़ी हो गया ना, गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ी कर दी हड़बड़ी में, चलिए कोई बात नहीं होता है। लेकिन यही होता है, यही गड़बड़ी जो हो रही है हड़बड़ी में, ये जो होता है चार नंबर इसी में चला जाता है, चार पांच नंबर। अरे हर सब्जेक्ट से अगर इस तरीके से काटो, सोच लीजिए कि जितना सब्जेक्ट होगा, एक एक सब्जेक्ट से अगर जोड़ के चले दो नंबर करके, तो 100 नंबर में 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाता होगा। एकदम शांत होकर जवाब देना है। चलिए सी नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ है, 107 से 20, 121 से 133, उसके बाद 76 से 105 या 96 से 106। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपको, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ है, वेरी गुड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अब हुआ ना बात 96 से 106, हमको लगा यहाँ गड़बड़ी हो जाएगा, 76 से 105 भी मारने वाले लोग, हाँ डी सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आइए। 96 आईपीसी सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन गुड फेथ या इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या नॉन ऑफ द अबव, क्या होगा इसका सही जवाब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। और आप लोग जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, राइट, वेरी नाइस। तो इसका जवाब है 96 में इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किसी भी व्यक्ति को किसी सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अरुण का केस तो पढ़ा ही है, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिफेंस एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगले प्रश्न पे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी रेज्ड, कब आपके पास नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कैन बी रेज्ड होगा, ठीक है, कैन बी, नॉट हटा दीजिए इसको, नॉट शब्द को हटा दो और बताओ कि किस अपराध में आपके पास है राइट, इस एप्रोप्रिएशन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थेफ्ट, कब है ये बताइए। हाँ कब है ये बताना है, वेरी गुड। तो इन केस ऑफ थेफ्ट है ना, तो चोरी के विरुद्ध आपके पास है, वेरी नाइस, डी इज द राइट आंसर, इसमें नहीं है राइट, और वहां पे कैन नॉट लगा हुआ था, वो गलत था, कैन कर देना था, वेरी गुड, नहीं सही है, नहीं, अगर कैन नॉट बी रेज करेंगे तो मिस अप्रोप्रिएशन इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी देखोगे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अब कैन नॉट बी रेज्ड में, अच्छा हाँ, इस दृष्टिकोण से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एक बार 97 को अगर देखते हैं, अगर यहां पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रुक जाओ, अगर मान लो कैन नॉट भी लगाते ना, तो 97 को अगर हम लोग पढ़ते हैं, 97 को अगर हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड, 97 को पढ़ो तो कहता है कि प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, का हो या दूसरे का हो, इसके विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया हो जिसका डेफिनेशन चोरी में, रॉबरी में, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास में आ रहा है, तो आप अगर 97 को देखोगे ना, मैक्स मूलर, यहाँ पे ये सब अपराधों का जिक्र नहीं है, अपराधों का जिक्र नहीं है, इसका भी जिक्र नहीं है, राइट, इसका जिक्र है तो इसका है, चोरी का है, समझ में आ गया कि क्यों वहां से हम हटा दिए,
है ना, तू हटा दिए, समझ में आया? अरे वही तो बता रहे हैं आपको कि कैन बी रेज्ड, वही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, अरे मैक्स मुलर जी बोलते, अरे सर मैक्स मुलर, समझ में आया बात? नहीं आया मैक्सवेल, आया कि नहीं आया? आ गया। जब 97 को पढ़ोगे उसका नंबर पॉइंट बी पढ़ना, तो समझ में आ जाता कि किस किस केस में है। तो किस किस केस में है, तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, इन केस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, ट्रेसपास, है ना, यही है। अच्छा अब 103 भी देख लेते हैं, अब 103 भी देख लेते हैं, 103 में क्या कहा है। अब आ जाओ 103 भी आ जाते हैं इनके कहने पे। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ फायर के द्वारा, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, यहां पे कहीं पे भी इन अपराधों का जिक्र है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन अपराधों का जिक्र नहीं है सर। समझे बात को सर, समझे सर बात को, 103 में भी नहीं है कि आप डेथ कर दो और अपराध यहां पे राइट नहीं है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है सर। इज इट क्लियर सर, समझ में आ गया बात? ओहो भावना जी हैं, भावना जी अपना नाम मैक्स मुलर क्यों रखे हैं? चलिए वेरी गुड भावना जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया, अभी भी समझ नहीं आया? अरे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको समझा दे, सीधा सीधी एक बात हमको बताइए कि क्या राइट को दिया गया है, मेंशन किया गया राइट के अपराध को, चाहे वो 103 हो या 197 हो, इनमें से किसी भी सेक्शन में राइट के बारे में बताया गया है? नहीं। मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया गया? नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध को लेकर बताया गया कि है या नहीं? नहीं बोला गया है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन अपराधों को लेके, तो आप क्या बोलोगे? नो सर, नहीं है। करेक्ट, इज इट क्लियर? एक बात है ना, नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं है इस अपराध का, दैट्स व्हाई ये नहीं है। जहां था कैन नॉट बी रेज्ड, अगर कैन नॉट बी रेज्ड कर देते तो ये सभी राइट भी सही होता, मिस एप्रोप्रिएशन भी सही होता, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी सही होता, अब तो फंस जाते ना। इसलिए यहां कैन नॉट हटा दिए कि आपके पास आत्मरक्षा का जो अधिकार है, तो कब है? तो चोरी का जिक्र किया गया है, किया गया है ना। हालांकि चोरी में एक बात जरूर बताया गया है, चोरी के अपराध में आपके पास जो कब डेथ करने का राइट है और कब डेथ को छोड़कर कोई अन्य हार्म करने का राइट है, तो वो दोनों बता दिया गया है। तो चोरी का जिक्र है कि नहीं है? है। तो कैन बी रेज इन विच केस, इन विच ऑफेंस, थेफ्ट, बट इन अपराधों का जिक्र नहीं है। समझ में आया? थैंक यू सर, धन्यवाद, है ना, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, हमको तो पता ही नहीं था मैक्स मुलर आप भावना जी हो। ओके सर, डन, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए क्लास में ना, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, राइट? चलो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अवेलेबल व्हेन देयर इज टाइम टू हैव द रिसोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ये अवेलेबल होता है जब कोई टाइम आपके पास नहीं कि आप पब्लिक अथॉरिटी का मदद ले पाओ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेके कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए फटाफट। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब यहां पे विश्व युद्ध हो जाएगा ऋतु जी के बीच और सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं, नो मोर डिस्कशन। चलिए बताइए विच वन ऑफ द राइट आंसर। आप लोग तो छोटे छोटे बातों पे विश्व युद्ध छेड़ देते हैं, विश्व युद्ध नहीं करना है। चलिए वेरी गुड, तो ये बात कहां से पता चला आपको? अवेलेबल व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव रिसोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, तो ये आपको पढ़ने से पता चला 99th, इज इट क्लियर? 99 है ना, 99 को पढ़ने के बाद पता चला, वेरी गुड एवरीवन। चलो तो
तो काफी डेढ़ घंटा लग जाता है 50 क्वेश्चन को समझाते हुए कराने में। खैर कोई बात नहीं, जिस दिन आप लोग का रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मजा आएगा, रिजल्ट तो आएगा आप लोग कहते ना, तो यकीन है। चलिए चलो, वेरी नाइस। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए। अंबर जी का स्कोर 47, सबसे अधिक किसका गया? ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से अंबर जी कहते हैं 47 है। वेरी नाइस अंबर जी, वेरी गुड। नम्रता जी 47, प्रीति जी 45, रितु जी 37, बहुत ना ना ना, नॉट गुड। 44 ज्योति जी, चलो वेरी गुड। तो 47 अंबर जी का हाईएस्ट किया है। तो आज का कार्रवाई करते हैं हम लोग यहां पे समाप्त। आईपीसी के लेक्चर क्लास में फिर मिलते हैं 9 बजे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। जो क्वेश्चन थे, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट बाय लॉर्ड समनर, दिस वॉज गिवन इन वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किम एम्पायर। मैंने अकॉर्डिंग बिकॉज आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन सो मेनी। कोई बात नहीं रवलीन जी, इसको एक बार चेक कर लेंगे, डोंट वरी, राइट। डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए है ना, बस निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। चलो वेरी गुड, 46 जा रहा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया, प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, भी लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। डिंपल अग्रवाल जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से करना है, वेरी गुड अंबर जी, वेरी नाइस। तो चलिए मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।